गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अब आज का व्लॉग अपन ज़्यादा करेंगे नहीं, मतलब आज ज़्यादा व्लॉग करने का मन नहीं है क्योंकि आज हम गोवर्धन से अपने जयपुर नॉन स्टॉप जा रहे हैं और कुछ करने को है नहीं। तो जितना व्लॉग हो पाएगा उतना करेंगे, ज़्यादा करेंगे नहीं। ये रही अपनी गाड़ी, पार्किंग में खड़ी थी, तो अब गाड़ी लेके चलते हैं, मम्मी और सबको बिठाते हैं और फिर चलते हैं सीधा जयपुर। नॉन स्टॉप चलेंगे, ज़्यादा रुकना नहीं अपन को कहीं, पहले इसमें तेल और भराना। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए। ये मेरे मामा की छोरी है, देखो मेरे छोटे मामा की छोरी है। इसका एक जुड़वा भाई भी है, वो ये बैठा है यहाँ पर बगल में बैठा। चलो गाइस अब चलते हैं अपन। चलो गाइस अब इनको छोड़ते हैं इनके घर पे और उसके बाद अपन सीधे निकलते हैं जयपुर के लिए। अपने जयपुर के लिए मिठाई ले रहे हैं गाइस, मिठाई ले ली बहुत सारी और भी आ रही है अपनी। स्पेशल घेवर ले लिया है यहाँ से, गोवर्धन का फेमस है बहुत, मलाई पुआ भी बहुत फेमस है। खूब सारी चीज़ें ले ली गाइस, खूब चीज़ें ले ली। अब वो खड़ी अपनी गाड़ी और अब सीधा चलते हैं अपने जयपुर नॉन स्टॉप। यहाँ की फेमस लस्सी की कमी और रह रही थी, वो और करा ली हमने भाई साहब से, बहुत बढ़िया लस्सी बनाते हैं। तो गाइस अब हम गोवर्धन से निकल गए जा रहे हैं भरतपुर, सीधे यहाँ से भरतपुर जा रहे हैं और नॉन स्टॉप जा रहे हैं। मतलब ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करूँगा मैं क्योंकि हाँ अब गाड़ी चलानी है नॉन स्टॉप, सीधा जयपुर जाके रुकना है, 5 घंटे की ड्राइव, 4-5 घंटे की। तो वो करते अब पहले यहाँ से जाके भरतपुर, मतलब ये अभी गाँव चल रहे हैं, देखो गाँव से ही है। अभी मेन हाईवे आएगा भरतपुर के बाद और सीधा वो जोड़ेगा जयपुर के लिए, तो जिसपे हमें कहीं नहीं रुकना, सीधे चलना है। चलो गाइस अब आपको कमी व्लॉगिंग मिलेगी इस रूट पे। तो हम आ गए अब भरतपुर, ये भरतपुर, ये पुल उतरते ही भरतपुर आ जाएगा। यहाँ हम रुक नहीं रहे, मतलब इसको आउटर, आउटर से यहाँ के आउटर से और फिर सीधा अपना चलेंगे जयपुर। भरतपुर के बाहर से जाने बल्दी भरतपुर के अंदर से जा रहे हैं क्योंकि जिसको नहीं पता ये हम पहले यही रहते थे भरतपुर में ही, जिसको भी नहीं पता मैं बोर्ड में भी यही हुआ हूँ भरतपुर में। और हमारे यहाँ पे एक गणेश जी का मंदिर है, वो उधर जाना है हमें, वहाँ ढोक लगा के आएंगे हम अपनी गाड़ी से और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये है वो गणेश जी का मंदिर, यहाँ पे ढोक लगाते हैं हम फिर निकलते हैं। अब देखो गाइस हम आ गए राजस्थान में। अब आपसे कही थी ना मैंने राजस्थान में टोल फ्री करते हैं, तो आपको टोल फ्री करके दिखाता हूँ मैं, बेइज्जती नहीं करते बस ये लोग, अब नहीं करेंगे जहाँ तक। तो गाइस देखो हमारे टोल फ्री हो रहे हैं, ये निकल गई अपनी गाड़ी बिना कुछ बोले बिना कुछ करे, हमारी गाड़ी निकल चुकी है टोल से। गाइस अब बीच रास्ते में रुके हैं, ये अपन ने स्टॉप लिया है यहाँ पे बीच में स्टॉप लिया है थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने का, अब नॉन स्टॉप खींचते हैं। मतलब आधे रास्ते तो आ गए, अब आधा रास्ता रह रहा है तो आधे बस नॉन स्टॉप खींचते हैं गाड़ी। गाइस गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, यहाँ पे आए थोड़ा चाय ब्रेक के लिए, चाय वाय पीते हैं फिर निकलते हैं। गाड़ी है रही गंदी हो रही, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही गाड़ी। गाइस ये फाइनल टोल प्लाजा आ गया, इसके आगे टोल रोड ख़त्म हो जाएगी और कोई टोल नहीं है, और अब ये लास्ट टोल है जयपुर के लिए और अब सीधा अपन फिर जयपुर। तो गाइस अपन आ गए जयपुर में, बस अब मुश्किल से 2-5 किलोमीटर होगा जयपुर, टोल रोड एंड्स और हम जयपुर में एंटर कर चुके हैं अपनी गाड़ी को लेके। तो गाइस ऐसी कुछ जयपुर की एंट्री है, जो गुफाई वो पहाड़ी पहाड़ों के बीच में से लेके एंट्री होती है जयपुर में, और बस अब देखना बढ़िया 3-4 किलोमीटर लंबी गुफा आएगी। तो गाइस ये आ गई टनल, इस टनल को पार करते हैं अपन जयपुर के अंदर एंटर। ये टनल चल रही है, अब इसको पार करती है अपन जयपुर के अंदर एंटर हो जाएंगे। चलो गाइस चलते हैं अब घर पे,
सीधी घर खींचते गाड़ी को। हम आ गए जयपुर सिटी में, एंटर कर गए सिटी, आ गई ये पिंक स्क्वायर नाम का मॉल है, उससे लेफ्ट ले लिया और अब ये राजा पार्क एरिया है, इसमें अब अपन चल रहे हैं। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस घर पर पहुंच गए हम, ये अपनी गाड़ी घर और ये अपनी दूसरी गाड़ी जिसको बहुत मिस करा। तो चलो अब अंदर चलते हैं और ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।